26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक का आगाज होने वाला है। भारतीय एथलीट्स की तैयारियां चरम पर हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए कुछ समय पहले भारतीय दल की घोषणा भी हो गई थी। वही भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन क्या आप भारत की अनु रानी को जानते हैं, जो नीरज चोपड़ा की तरह ही भारत की स्टार भाला फेंक एथलीट हैं। इस बार वह पेरिस ओलंपिक में भी नजर आने वाली हैं। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने में उन्होंने काफ़ी मेहनत की, उनकी एथलीट बनने की राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। अन्नू रानी का जन्म 28 अगस्त 1992 को मेरठ के गांव बहादुरपुर में हुआ था। उनके पिता अमरपाल एक किसान थे। उनकी प्रतिभा की पहचान उनके भाई उपेंद्र ने की, जिन्होंने क्रिकेट खेल के दौरान उनकी ऊपरी शरीर की ताकत को देखा। वे उसे खाली खेत में गन्ने की स्टिक फेंकने के लिए कहकर ट्रेन करने लगे। अन्नू की पहली जैवलिन स्टिक वह थी जिसे उन्होंने बांस के एक लंबे टुकड़े से खुद तैयार किया था, क्योंकि उनके पास एक असली जैवलिन स्टिक खरीदने के पैसे नहीं थे। अन्नू ने 18 साल की उम्र में 2010 में पहली बार भाला फेंकना शुरू किया था। बाद में उनके भाई ने उनकी ट्रेनिंग के लिए पैसे देना शुरू कर दिया था। इसके बावजूद कि उनके पिता ने लड़कियों को खेल में जाने से मना कर दिया था, 2014 में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर खुद को साबित करने के बाद वह आखिरकार अन्नू की प्रतिभा का समर्थन करने के लिए आए। अब वह उनके एम्बिशन को सपोर्ट करते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप दोहा 2019 में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय थी अन्नू रानी। अन्नू ओलंपिक चैंपियनशिप मार्क से चूकने के बावजूद विश्व रैंकिंग के माध्यम से 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में सफल रही थी। उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास 63.24 मीटर है, जिसने उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप पटियाला 2021 में गोल्ड मेडल जीतने में मदद की थी। 2022 के बर्मिंगम राष्ट्रमंडल खेलों में अन्नू रानी ने इतिहास रचा, क्योंकि वह पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भाला फेंक खिलाड़ी बनी। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वह हांगजू में हुए एशियाई खेलों 2023 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं। लखनऊ में 2014 की राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अन्नू रानी ने 58.83 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता था। इससे उन्होंने 14 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया, जहां वे 8वें स्थान पर रहीं। बाद में उन्होंने साउथ कोरिया के इंचियोन में एशियाई खेलों में 59.53 मीटर के थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2 साल बाद उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 60.01 मीटर के थ्रो के साथ अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ डाला। अन्नू रानी ने 21 अप्रैल 2019 को कतर में 23वें एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता, जिससे वह विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला भाला फेंक खिलाड़ी बन गई। उन्होंने चेक गणराज्य के ऑस्ट्रावा में IAAF वर्ल्ड चैलेंज इवेंट गोल्ड एंड स्पाइक ऑस्ट्रावा में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। साथ ही अन्नू रानी, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खेल और ओलंपिक से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए NBT स्पोर्ट्स के साथ।